नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे ब्लाइंड स्टिच मशीन, मतलब तुरपाई की मशीन। जो लोग पीको पॉल करते हैं उनको स्पेशली पता होगा इसके बारे में। चलिए विदाउट टाइम पास देखते हैं मशीन के अंदर क्या है। यह है जैकी कंपनी की मशीन, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसका बॉक्स। बॉक्स के अंदर पूरी जानकारी दी है। JR 500 इसका मॉडल नंबर है। P500, JR 500 हर कंपनी के हिसाब से ये JR बदलते रहता है, 500 सेम रहेगा। ये मशीन का डिस्क्रिप्शन पूरा इसके अंदर लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, स्क्रीनशॉट लेके। इसके अनबॉक्सिंग अभी करेंगे, ये देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। तो देखिए, अभी इसके अंदर एक बॉक्स निकला है, जिसके अंदर इसका डॉक्यूमेंटेशन, वायर, एक्सलेटर, इसका फुट लिफ्टर का पैड, एक नट जो मशीन को पार्टी के ऊपर फिट करता है, ये इसका फुट लिफ्टर, ये इसका धागे का स्टैंड और ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन। देखिए सीधा मशीन, बहुत ही छोटी सी और बहुत ही बढ़िया मशीन है दोस्तों। ये मशीन के अंदर मैं आपको जानकारी दूंगा आज। देखिए पूरी मशीन खुल चुकी है और पूरा इंस्ट्रूमेंट भी खुल चुका है। देखिए दोस्तों, आपके सामने अब मशीन खुल चुकी है। इसका ये जो पैर है, फुट, इसको बाजू करने के लिए देखिए यहाँ पे एक नट दिया गया है। इसको अगर आप टाइट कर लेंगे तो यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा, यहाँ से हिलेगा नहीं। इसको ढीला कर लेंगे तो ये बाजू हो जाएगा। बाद में ये एक चाबी दी गई है, ये चाबी जो है ये इसके अंदर लगाना है आपको, खांचे के अंदर। ये एक टाइप का फुट लिफ्टर है, इसको आप साइड में करेंगे तो देखिए ये नीचे ऊपर जा रहा है। टाका छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है। और ये जो मशीन, ये उल्टी घूमती है, इसके ऊपर एरो भी दिया गया है। आपको एक बार एरो बता देता हूँ मैं, देखिए एरो, ये धागे का स्टैंड है। इसके बाद में इसको एक मोटर लगी है, जो अपने मशीन के अंदर रहती है, फाइबर वाली जो आती है, देखिए छोटी सी मोटर है। ये मशीन जो है पूरी रिव्यू मैं करूँगा आपके लिए, चला के भी बताऊँगा। आज का वीडियो जो है इसके अंदर आपको इसकी प्राइस भी मालूम करेगी और ये चलती कैसे है वो भी जानकारी मिल जाएगी थोड़ी बहुत। इसके अंदर देखिए एक सुई लगाई है, बहुत ही अलग ही टाइप की सुई है। देखिए जो टाके लगाते हैं शरीर को, जो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं उसके टाइप की जैसी सुई है। और ये धागा जो है यहाँ से लिया गया है, इसका धागा स्टैंड पीछे होने के कारण यहाँ से धागा जाएगा और इसके अंदर जाएगा। ये चेन स्टिच मशीन है, मतलब आपने कभी एक गोनी रहती है जिसके अंदर आलू प्याज भरा रहता है, उसको जो सिलाई रहती है, एक धागे खींचने पे पूरी सिलाई निकल जाती है, वो टाइप की इसकी सिलाई रहती है। तो ये जो मशीन है ये किस काम में आती है वो भी बताऊंगा। अभी देखिए इसके अंदर कुछ सैंपल लिया गया है, देखिए इसकी सिलाई जो है ये आपको दिखेगी ये टाइप में, और पीछे के साइड में देखिए एकदम बारीक डॉट दिखेगा। अभी इन्होंने कॉन्ट्रास्ट कलर का इस्तेमाल किया है, मतलब व्हाइट कलर का कपड़ा है और ब्लू कलर का धागा यूज़ किया है। ये इसलिए किया है कि आपको सिलाई दिखे। अभी देखिए एक साइड इसकी सिलाई ऐसे आएगी और दूसरे साइड में बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। ये जनरली फॉल लगाते हैं उसके लिए काम में आती है, या फिर पैंट के नीचे की जो सिलाई रहती है उसको भी काम में आती है। बाकी आप पर्दे वगैरह सीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन का व्यू देख लीजिए एक बार, देखिए साइड से ये फाइबर का बेस दिया गया है कंपनी ने, ये वाला। उसके बाद में ये यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिससे मशीन खुलती है। पीछे का हिस्सा भी फाइबर का है, ये साइड भी फाइबर की है, बाकी पूरी मशीन मेटल है। ये मशीन के साथ में स्टैंड नहीं आता है दोस्तों। अगर आप ऑर्डर करेंगे कहीं से भी या फिर मुझसे, तो आपको खाली हेड आएगा, स्टैंड टेबल आपको अलग से लेना पड़ता है। तो स्टैंड टेबल की वैसे इसको इस जरूरत नहीं है, क्योंकि मुंडे में मोटर अटैच है। बाकी सारी जानकारी जो है
इसके अंदर दी गई है। सिर्फ आपको करना क्या है, इसमें कपड़ा लगाना है और एक्सीलेटर दबाना है। एक्सीलेटर दबाने के बाद में कपड़ा आगे चलते जाएगा और मशीन आपकी चेन स्टिच ये सिलाई निकालेगी। इसको धागे का स्टैंड लगाया है यहाँ पे, जो धागे का स्टैंड है इसके ऊपर आपको धागा रखना है और यहाँ से धागा लेना है, इसके अंदर डालना है, इसमें डाल के यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ पे और फिर डायरेक्ट सुई में। सुई में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए इसको एक एडजस्टेबल नट दिया गया है। ये क्या करेगा, अगर आपको जो कपड़े की स्टिचिंग है वो बढ़ाने की है तो इसको खोल के पीछे ले लीजिए, कम कर लीजिए आगे ले लीजिए। ये इसका प्रमाण है कि आपको कपड़ा कितना छोड़ना है अंदर, तो उस हिसाब से मशीन चलेगी। और मशीन के अंदर देखिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिससे टाका छोटा बड़ा करके आएगा। कुछ जानकारी लिखी है इसके अंदर, ये स्कीप 1:1 या फिर नीचे ले लेंगे तो स्कीप 2:1, मतलब आपको एक छोड़ के एक टाका चाहिए या दो छोड़ के एक टाका चाहिए, मतलब एक बार चलेगी एक बार नहीं चलेगी, तो ये हिसाब से इसकी चेन स्टिचिंग हो जाएगी। इसको ढीला करके इसके अंदर ऐसा कर लीजिए, इसको पैर का ये जो नीचे का हिस्सा है इससे बाजू कर लीजिए, इसके अंदर कपड़ा डाल दीजिए। इसमें कपड़ा डालने के बाद में कपड़ा छोड़ दीजिए, एक्सीलेटर दबाइए, कपड़ा ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जाएगा और मशीन में चेन स्टिच आना शुरू हो जाएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगे मुझे बता दीजिए। और यहाँ पे ये नॉब जो है स्कीप 1:2 या 2:1, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी कंपनी की सेटिंग 1:1 है, इसको हम ऐसा रखेंगे। और आपको ये मशीन की जो रेट है ये 17-18 हज़ार के करीब मिल जाएगा, स्टैंड टेबल अलग से लेना पड़ेगा। और मशीन जो है जैकी कंपनी में शानदार आती है, और भी अदर कंपनीज है जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो भी आएगी, उसके भी वीडियो में डालूंगा। आज के डेट में मेरे को जैकी की मशीन बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। बाकी इसकी जो सिलाई है हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।